नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट मिल्क राइस। इसे बनाने के लिए हम लगभग 300 ग्राम बासमती चावल लेंगे। इसे दो बार पानी में अच्छी प्रकार से धो लेंगे। धोने के बाद हमें इसे 15 मिनट तक भिगोना है। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने एक नारियल लिया है, इसके आधे भाग का ही हम उपयोग करेंगे। आधे भाग के मैंने यूँ छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इस तरीके से छोटे टुकड़े हम कर लेते हैं तो इसे पीसने में सुविधा होती है। अब हमें इसे पीसना है। पीसने के लिए मैंने इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे। पीसते वक्त यदि आवश्यक हो तो और पानी डाला जा सकता है। पीसने के बाद हम इसे छानेंगे। छानने के लिए मैंने इस तरीके से एक छन्नी लिया है और उसके ऊपर हम सूती का एक पतला कपड़ा रख लेंगे। अब इसमें से इसे हम छानेंगे। हम इसे यूँ प्रेस करते जाएंगे और देखिए दूध सेपरेट हो रहा है। इसके अलावा भी एक विधि है जिसमें कि नारियल को पहले खुरच लिया जाता है। खुरचने के बाद इसी तरीके से कपड़े से उसे छाना जाता है और देखिए दूध सेपरेट हो रहा है। इसे हम अलग कर लेंगे। अभी इसमें से और दूध निकाला जा सकता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बार फिर इसे प्रेस करके देखेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और देखिए थोड़ा दूध और निकल गया है। इसे भी हम निकाल कर रख लेंगे। नारियल का दूध तैयार है। वैसे एक बहुत ही सरल विधि है जिससे कि हम तुरंत नारियल का दूध बना सकते हैं। ये है नारियल दूध का पाउडर। ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसके छोटे पैक भी आते हैं। ये मैंने 1 किलो का पैक लिया है क्योंकि मुझे बहुत अधिक नारियल दूध की आवश्यकता होती है। इस 1 किलो के पैक से हम 5 लीटर दूध और 2 लीटर क्रीम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून नारियल के दूध का पाउडर लिया है। अब इसमें हम हल्का गर्म पानी डालेंगे और देखिए नारियल का दूध तैयार है। यदि आपके पास समय कम हो तो इस तरीके से आप तुरंत नारियल का दूध बना सकते हैं। नारियल का दूध तो तैयार हो गया है। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। मैंने कढ़ाही गर्म करने के लिए रख दिया है। कढ़ाही के गर्म होने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून घी डाला है। घी की मात्रा को आप अपनी इच्छानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी के गर्म होने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैंने इसमें 1 तेज़पत्ता डाला है, 1 इंच दालचीनी, 1/2 चम्मच काली मिर्च इसमें हम डालेंगे, 4-5 लौंग और 3 इलायची। यहाँ पर हमें छोटी इलायची डालनी है। 5 हरी मिर्च को मैंने बीच से काट कर रखा हुआ है, उसे भी अब हम इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक बड़े आकार के प्याज को काट के रखा हुआ है। ये लगभग 1 कप होगा। इसे घी में डालने से पहले हम यूँ अलग अलग कर लेंगे। आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और अब इसे मैंने घी में डाल दिया है। हमें इसे सुनहरा होने तक भूनना है। इसे भूनने में लगभग 3-4 मिनट का समय लगेगा। आप चाहें तो ये प्रक्रिया कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर में मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा नहीं पाती, इसलिए मैंने इसे कढ़ाही में किया है। कढ़ाही में इस तरीके से इसे भून लेने के बाद मैं इसे कुकर में डाल लूँगी। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1/4 चम्मच नमक हम इसमें डालेंगे। नमक डालने से
प्याज जल्दी भुन जाता है। अभी इसे थोड़ी देर और भुनने की आवश्यकता है। अब ये प्याज भुन गया है, हम इसमें चावल डाल देंगे। जो चावल शुरू में हमने भिगो कर रखा हुआ था उसे अब इसमें डाल दिया है। चावल को इसमें डालने के बाद हम इसे लगभग 2-3 मिनट तक भून लेंगे। इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे चलाना होगा, वरना चावल टूट जाते हैं। मैं इसे बहुत ही धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चला रही हूँ। अब हम इसे कुकर में डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यदि आप चाहे तो शुरू से ही इसे कुकर में ही बना सकते हैं। अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। प्रेशर कुकर में इसे डालने के बाद हम इसमें पानी और नारियल का दूध डालेंगे। मैंने इस 1 गिलास से 2 गिलास चावल लिया था, तो अब इसमें 1 गिलास नारियल का दूध और 3 गिलास पानी डालेंगे। इसे हम थोड़ा मिला लेंगे और अब इसमें नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। इसे हम 1 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। 1 सीटी आने के बाद इसके प्रेशर को रिलीज करके हम इसे देखेंगे। देखिए, हमारा ये कोकोनट राइस तैयार है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी। देखिए चावल कितने अच्छे खिले खिले लग रहे हैं। सर्व करने से पहले हम इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और हरा धनिया डाल सकते हैं। आपको मेरी ये कोकोनट राइस की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो भी आपको यह कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।